हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनिया और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो ऐसे प्राणायाम जो हम सभी को करने बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हाइपर टेंशन और हाई बीपी का इशू है, जो स्ट्रेस में रहते हैं। इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर देम। सबसे पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। नाम से ही हम देखते हैं, चंद्र मतलब मून, जो शीतलता का प्रतीक है। हमारे शरीर में दो तरह की नाड़ियाँ सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी जो कामनेस का और शीतलता का प्रतीक है, एज इट रिप्रेजेंट बाय मून। सूर्य नाड़ी जो सन को रिप्रेजेंट करती है, और सन का मतलब होता है हीट, तो जो हमारी बॉडी में हीट क्रिएट करती है। तो सूर्य नाड़ी तो आजकल हम सब लोगों की बड़ी हुई है। इट माइट बी द रीजन हम फूड एनवायरमेंट, हमारी लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड जो हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी में हीट क्रिएट करते हैं। तो सूर्य नाड़ी सबकी बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, तो हमें सूर्य नाड़ी को नहीं, हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम जो होता है वो हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है, मतलब हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में कामनेस लाता है, शीतलता लाता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम बाएं हाथ में से मुद्रा बना के अपने नीज पे रख लेंगे, और राइट हैंड को ही हमें यूज करना है मुद्रा बनाने के लिए। जो टू फिंगर्स, हम फर्स्ट टू फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को हम पे रखेंगे, अजना चक्र भी हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन आर आईब्रोज। और हम थंब यूज करेंगे अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए। रिंग फिंगर हम यूज करेंगे अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन और क्लोज करने। आई विल टेल यू व्हाई वी यूज दिस फिंगर। दिस ऑलवेज वी हैव टू यूज राइट हैंड। क्यों? क्योंकि हमें राइट हैंड में ये राइट साइड नोस्ट्रिल जो होती है वो सूर्य नाड़ी को प्रतीक होती है, और हम रिप्रेजेंट करते हैं फायर एलिमेंट को। हमारे बॉडी पांच तत्वों से मिलकर बनी होती है। आई विल एक्सप्लेन इट इन सम अदर वीडियो। सो ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी और कामनेस को। तो इसके लिए हम अपनी राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए हम अपना थंब का यूज करेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए हम अपना रिंग फिंगर का यूज करेंगे। ऐसे पोजिशन में बैठ जाएंगे। आप वज्रासना में भी बैठ के कर सकते हो, सुखासना में बैठ के, पद्मासना में बैठ के, और नहीं तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन, आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट चंद्रभेदी प्राणायाम। सबसे पहले हम राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे, और लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे। लेफ्ट को क्लोज कर लेंगे रिंग फिंगर से, और राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट को क्लोज कर लेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को क्लोज कर लेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। ये हमको याद रखना है, इनहेल लेफ्ट एक्सहेल राइट। दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और सेम मुद्रा बनाएंगे अपने हाथ में, और अपने थंब से इसको क्लोज कर लेंगे, और लेफ्ट से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे। एक दो तीन चार। अब हमको होल्ड करते हैं अपने सांस, दोनों रिंग फिंगर और थंब से हमको अपने दोनों नोस्ट्रिल क्लोज करके वी हैव टू होल्ड आवर ब्रीथ जितना भी आप कर पाए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक्सहेल थ्रू दो राइट। तीन चार पाँच छ सात आठ। ये एक आइडियल रेशियो है 4:16:8। राइट अगेन। Now close your nostrils. Exhale through left. ये एक राउंड हो गया है, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ।
अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर लेंगे और इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। अब राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे और फिर से इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रल से ही। अब फिर से दोनों नासिकाओं को बंद करके हम होल्ड करेंगे ब्रीथ को और लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड वन राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम आपको डेली 5 to 10 minutes एटलीस्ट करने हैं। स्टार्ट कीजिए 5 minutes से, धीरे धीरे आप इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी योगा पोजेज जो आपको हाइपरटेंशन और हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू।